अगले वाचक के रूप में मैं विनोद कुमार जी को बुलाना चाहूंगा कि वे अपना आलेख प्रस्तुत करें। डॉक्टर विनोद कुमार जी वाइचर। विनोद कुमार जी, हाँ नमस्ते जी, अब आ रही है आवाज मेरी सर? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, थोड़ा सा मैंने स्थान परिवर्तित करके देखा है। 5 मिनट के अंदर आपको समाप्त करना है। जी 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 जी। सुबह मैंने एक पीपीटी भेजी थी, वो अगर नहीं हो सकती है स्क्रीन शेयर हो सकती है क्या सर उसकी? अगर नहीं है तो मैं ऐसे ही बोल दूंगा, चलेगा? कर सकते शेयर कीजिए, आपको कोर्ट बनाया है। ठीक है मैं प्रयास। ओनली होस्ट कैन शेयर दिस मीटिंग, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपना विषय आपके सम्मुख प्रकट करता हूँ। ठीक है सर। ठीक है, मेरे आज के शोधालेख वाचन के विषय को आरंभ करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो आप प्रयास कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया है। येडले सर जी, सुरेश मुंडे सर जी और अन्य सभी जितने भी इस संगोष्ठी के आयोजक हैं उन सबको मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा और सभी का स्वागत करते हुए अपने विषय की ओर बढ़ता हूं। आज के मेरे इस शोधालेख पठन का विषय है पंडित भरत व्यास जी के गीतों में राष्ट्रीय भावना। वैसे मूल विषय था पंडित भरत व्यास जी के गीतों के विशेष संदर्भ। पंडित भरत व्यास जी से पूर्व बहुत सारे हिंदी फिल्मों के गीतकारों ने बहुत अच्छी तरह से स्वाधीनता आंदोलन में योगदान दिया है। उदाहरण के रूप में प्रेमचंद जी के समकालीन और प्रेमचंद जी की विचारधारा के सबसे महत्वपूर्ण लेखक के रूप में हम पंडित सुदर्शन जी को जानते हैं। उनका एक गीत जो हिंदी सिनेमा का पहला गीत माना जाता है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, ये इस प्रकार से भारत की राष्ट्रीय चेतना को उद्युक्त करने के लिए उन्होंने लिखा था, क्योंकि हम सबकी गठरी में अंग्रेज रूपी चोर दाखिल हो चुका था। भारतीय कला और संस्कृति के क्षेत्र में हिंदी फिल्मों का कोई सानी नहीं है। पंडित सुदर्शन जी, नरोत्तम व्यास, कवि प्रदीप जी का तो उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ दिखाई देता है, क्योंकि कवि प्रदीप जी ने 1942 में आई हुई किस्मत नाम की फिल्म में बहुत महत्वपूर्ण गाना लिखा था, वह गाना सबकी जुबान पर है, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, इस प्रकार का ये गाना था। बाद में पंडित नरोत्तम व्यास, पंडित नरेंद्र शर्मा, पंडित इंद्र जी आदि गीतकारों ने बहुत से राष्ट्रीय चेतना के गीत लिखे हैं। इसके उपरांत हम इन गीतकारों के शिरोमणि पंडित भरत व्यास जी का नाम लेते हैं। पंडित भरत व्यास जी ने कुल मिलाकर 182 हिंदी फिल्मों में 1058 से भी ज्यादा गीत लिखे हैं और जिनमें से राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत सैकड़ों गीत हैं जिन्हें सुन करके आज भी युवाओं का उत्साह मन उत्साह से भर जाता है, राष्ट्रीय नायकों के प्रति भाव जागृत हो जाता है तथा राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग करने की कामना प्रबल होती है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, अमर सिंह राठौर, वीर दुर्गादास राठौर, छत्रपति शिवाजी महाराज, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि के स्वाधीनता अभियान और बलिदान का वर्णन उनके गीतों में प्राप्त होता है। इनमें से कुछ गीत मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। वैसे उनका पहला नाटक लिखा हुआ तरंगीला राजस्थान और उनका पहला गीत राष्ट्रीय भावना का उत्प्रेरित गीत था, वो था आओ वीरो हिल मिल गाएं वंदे मातरम, और ये उनके नाटक रंगीला राजस्थान उर्फ रामो चन्ना में लिखा गया था। उनकी प्रथम पुस्तक मरुधारा का भी प्रकाशन हो चुका था, पूर्वत धारा, रिमझिम राष्ट्र कथा, ये सारी उनकी कविताएं राष्ट्रीय चेतना से उत्प्रोत हैं, राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत हैं। उन्होंने
हिंदी फिल्मों में लिखना आरंभ 1942 से, जब से महात्मा गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ था, उस समय दुहाई नाम की फिल्म से शुरू हुआ और धीरे धीरे उन्होंने 1943 से 48 तक बहुत सारे ऐसे गीत लिखे हैं, परंतु उन्हें 1948 से की चंद्रलेखा से ख्याति प्राप्त हुई, जो 1988 के कृष्णा कृष्णा फिल्म तक चलती रही। उनके विषय वस्तु को थोड़ा सा देख करके आगे चलते हैं। देखिए, पंडित भरत व्यास जी के गीतों में फिल्मों में जो है उनमें सामाजिक पौराणिक भक्ति प्रधान वेशभूषा प्रधान गूढ़रम्य ऐतिहासिक किंवदंती प्रधान हास्य प्रधान अपराध कथा संगीत शास्त्रीय संगीत प्रधान बाल फिल्में प्रमुख है, परंतु इनमें से पृथ्वीराज संयुक्ता 1946, अमर सिंह राठौड़ 1957, राजा विक्रम 1957, सम्राट चंद्रगुप्त 1958, राज प्रतिज्ञा 1958, रानी रूपमती 1959, सम्राट पृथ्वीराज चौहान 1959, लाल किला 1960, वीर दुर्गादास 1960, जय चित्तौड़ 1961 और लड़की सह्याद्री की 1966 फिल्में प्रमुख हैं। इनमें से कुछ के हम यहाँ नाम गिनाएंगे। और इन फिल्मों में उन्होंने अपने गीतों में चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान, अमर सिंह राठौड़, महाराणा प्रताप, दुर्गादास राठौड़, छत्रपति शिवाजी महाराज इत्यादि के पराक्रम का वर्णन किया है। वैसे एक नवरंग नाम की फिल्म की वी शांताराम जी की, उसमें का एक गाना बहुत महत्वपूर्ण है, दिखाएगी राणा के रण की निशानी, कहेगी शिवाजी के प्रण की कहानी, बताएगी मुगलों की बाती अनजानी, उस गद्दार जयचंद की जिंदगानी, लड़ी वीर झांसी की रानी भवानी, लाखों ने हजारों लाखों ने जौहर जलाया। इस प्रकार से उन्होंने यहाँ राष्ट्रीय भावना निर्माण करने का प्रयास किया है। रानी रूपमती फिल्म में पंडित भरत व्यास जी का गीत इतिहास और बलिदान विषय उनकी भावना को स्पष्ट करता है। इतिहास अगर लिखना चाहो आजादी के मजमून से, तो सींचो अपनी धरती को वीरों तुम अपने खून से, आपस में लड़ना छोड़ो भेदभाव का सिर तोड़ो, वतन पे आफत आई तो तार दिल का दिल से जोड़ो, अगर बांधना चाहे कोई जुल्म भरे कानून से, तो सींचो अपनी धरती को वीरों तुम अपने खून से। जय चित्तौड़ के प्रयाण गीत में राणा प्रताप की पत्नी अजब दे चेतक से कहती है, तेरे इतिहास में अक्षर होंगे गुलाल के, चेतक तू महान है, बिजली का बाण तू है तू, वो पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े। इस प्रकार से उन्होंने चेतक का भी वर्णन किया है। वीर दुर्गादास राठौड़ फिल्म में मातृभूमि और पूर्वजों की कसम दिलाई गई है, तुमको तुम्हारे अभिमान की कसम, तुमको तुम्हारे वीरों के बलिदान की कसम, निज पूर्वजों की आन बान शान की कसम, जननी धरा वसुंधरा महान की कसम। राज प्रतिज्ञा फिल्म में बलिदान के महत्व को और भी अधिक स्पष्ट करते हुए पंडित भरत व्यास लिखते हैं, कभी न खाली जाएगी शहीदों की कुर्बानियां, हम मिटे इतिहास लिखे हमारी ये कहानियां, जुल्म देख कर खून खौलता देशभक्त मत वालों का, तूफान मिटा नहीं सकता है बलिदानों की निशानियां, देख हमें आपस में झगड़ते कोई ये न धोखा खाए, टूट पड़ेंगे मिलकर हम तो कोई तीसरा आ जाए, इस देश की खातिर एक बनेगी हम सबकी जिंदगानियां, हम मिटे इतिहास लिखे हमारी ये कहानियां। इस प्रकार से मैंने आपके सम्मुख ये विषय रखा है, हालांकि विषय बहुत बड़ा है, फिर भी जहां तक हो सके मैंने थोड़ा सा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अगला प्रतिभागी, समय देने के लिए धन्यवाद।